दोस्तों आपका स्वागत है लोटस प्रेगनेंसी केयर में। प्रेगनेंसी में होने वाले दर्द और ऐंठन की वजह से, खास तौर वो आखिरी तिमाही के दौरान होने वाले दर्द से महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये वो समय होता है जब आप पूर्ण विकसित भ्रूण आपके गर्भ में होता है और उसे बैलेंस करने की वजह से पीठ के निचले और पिछले हिस्से, पाँव और नितंबों में काफी दर्द होता है, लेकिन किसी गर्म चीज की सिकाई से आप दर्द में राहत पा सकते हैं। इसलिए इस दौरान कई महिलाएं इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड का इस्तेमाल करती हैं। इस नाजुक समय में इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड का इस्तेमाल करने से पहले आप इसके सुरक्षा नियमों के बारे में जान लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हीटिंग पैड का इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे लगाकर सो जाना आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। गर्भावस्था में दर्द से राहत पाने के लिए प्रेगनेंसी में होने वाला दर्द सिर्फ आपके पेट तक ही सीमित नहीं रहता है। जब आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव आता है तो आपके वजन और संतुलन में काफी बदलाव देखने को मिलता है। इस वजह से कुछ गर्भवती महिलाओं को भी पैर में ऐंठन, गले में खराश और पाँव में सूजन की समस्या होने लगती है। गर्भावस्था में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए गर्माहट एक आसान उपाय होता है। इस वजह से कई महिलाएं हीटिंग पैड का इस्तेमाल करती हैं। हीटिंग पैड के तापमान का रखे ध्यान। गर्भावस्था के दौरान हीटिंग पैड का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से शरीर में किया जाता है, लेकिन इसे ज्यादा देर तक शरीर पर नहीं रखा जाना चाहिए। थोड़े समय के लिए हीटिंग पैड का प्रयोग सुरक्षित माना जाता है। मांसपेशियों और शरीर के जिस हिस्से में दर्द हो रहा हो वह यह पैड रखिए। इस पैड को सीधे शरीर पर रखने से पहले एक समय सीमा निर्धारित कीजिए। सबसे पहले ऑन करके 15 मिनट तक रखिए, उसके बाद उसे ऑफ करके 15 मिनट तक रखिए। ऐसा करने से दर्द समाप्त हो जाएगा। हीटिंग पैड का तापमान ज्यादा मत रखिए। ज्यादा तापमान आपके बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है, साथ ही आपकी त्वचा के लिए भी नुकसानदेह है। उच्च तापमान से त्वचा जल भी सकती है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने की। तो देखते रहिए लोटस प्रेगनेंसी केयर।